व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। पाकिस्तान हार गया जिम्बाब्वे से, तो वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? तो आज हम वीडियो देखें पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन जब वो वर्ल्ड कप से एक तरह से बाहर हो चुकी है पाकिस्तान। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से है, लोगों के इंटरव्यूज, लोगों के मतलब लोगों का जो आम जनता का क्या कहना है, लेट्स सी। मेरे हिसाब से दुखी तो बहुत होंगे भाई साहब, कोई बस गुस्से में कुछ ज्यादा ना कह दे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गो। अच्छा, मुझे लगता है कि इसको बाबर आजम को मेंटोर रखना चाहिए कोहली को, ठीक है, और इसको ही कॉपी करके जो है लेके चले कि वो स्पेशल के साथ खेल ऐसे ऐसे जम्बावर आजम भी कहा जाता है, शायद आपको पता हो। हाँ, ये कहा जाता है, ये तो इंडिया वाले हैं क्योंकि शायद हमारा स्टार इतनी देर बाद बना है तो वो जलते हैं, क्योंकि उसको कंपेयर किया विराट कोहली के साथ इस उम्र में, उसने विराट कोहली के तकरीबन सारे रिकॉर्ड तोड़े। मैं मानता हूँ विराट कोहली सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन हमने देखा, बिल्कुल कल देखा, ठीक है, जितना टेम्परामेंट उस शख्स में, मैंने आज तक इतना प्रेशर ऑन करके 90-1 लाख बाबर आजम देखे, अगर उनसे कप्तानी नहीं, पहली बात है वो एक क्लास का प्लेयर, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है, लेकिन क्लास कौन सी है? वो प्रेप है, फर्स्ट वन क्लास है, टू क्लास है, जिस क्लास में वो जा रहे हैं वो तो प्रेप से भी नीचे है। तो मतलब कि आसिफ अली को आपने शॉर्ट बॉल करनी, उसने ऊपर कह देते हैं, ठीक है, इस तरह के प्लेयर से हमें या तो इनको ग्रूम कर लो या इनको साइड में उठा के किसी और को चांस दो जिससे अच्छा कर सके। अच्छे प्लेयर हैं अहमद शहजाद। अब आसिफ अली कहता है जी आसिफ अली द किंग, कैसे किंग भाई, ऐसे ही है, मतलब कि अगर आप एक मैच में चल पड़े तो आपको किंग मान लें, किंग मान लें। हमारे पास तो यूनुस खान जैसे, हमारे पास मोहम्मद यूसुफ जैसे, शाहिद अफरीदी, ये किंग थे, किंग है। अहमद शहजाद गायब हो गया था। आपका नाम? ओन। आपका नाम? अवैस अली। और ओन भाई, इधर प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की? हाँ जी, हमारा हम हमेशा से इधर शाम को खेलते हैं। इधर खेलते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी टीम खेलने गई है वहाँ हार गई है जिम्बाब्वे से, कैसा फील हो रहा है? देखें, हार जीत देखें खेल का हिस्सा होता है, सबसे पहले नो डाउट हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन हार हार हिस्सा नहीं होता, जीत भी बीच में आती है। हम मुसलसल हारे, इंडिया से भी हार गए, तब हमने कहा नो बॉल, और अब हम जिम्बाब्वे से हार गए हैं। देखें जिम्बाब्वे से जो हारे बहुत, एक तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादती हुई है, ज्यादती ऐसे इस हिसाब से हुई है कि पाकिस्तान की टीम का एक लेवल है, एक वो वर्ल्ड थर्ड नंबर टीम है, एक है। तीसरे नंबर पे आती है, जिम्बाब्वे का वो लेवल नहीं है, ठीक है। 130 का टारगेट चेज करना पाकिस्तान टीम के लिए, अगर उनसे नहीं हो सका तो हमारी टीम बड़ी शर्मिंदगी। क्या वजह, क्या समझते हैं आप? कोई मैनेजमेंट नहीं थी ठीक, या फिर बैड लक थी, या कोई और सीन था? देखिए, हमारे बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है, दे आर गिविंग देयर 100% इन द मैच, बट आई थिंक सो दैट बैट्समैन जो है ना हमारे, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, ये जो है बहुत ही, मतलब कि बाबर को आप देखने के कंटिन्यूअसली कुछ मैचेस से वो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हाल ही में तो बिल्कुल ही जैसे ही कोई सीरीज स्टार्ट होती है, कोई वर्ल्ड कप आता है, एशिया कप आता है, तब बाबर आजम सब थोड़ा डाउन हो जाते हैं, बल्कि काफी डाउन हो जाते हैं। अदरवाइज पूरा साल हम सुनते रहते हैं, कभी हम ये सुनते हैं जी बाबर आजम ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कभी हम कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें रिकॉर्ड से मसला नहीं, रिकॉर्ड हमारे पास पहले भी बहुत है, रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम एशिया कप पहले जिस तरह हारे श्रीलंका, एक छोटी टीम, उससे हमारे हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये कि इंडिया से मैच हारे, चलो एक मतलब टक्कर का था, टक्कर का मुकाबला हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे से मैच हारने में बहुत ही दुख वाला, वो बहुत ही ठीक है, क्योंकि 130 का टारगेट यकीन माने गली मोहल्ले के, मतलब आप अगर, आपको नहीं लगता शायद ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कि यार ये तो जीत ही जीतना ही, ये तो मैं कह रही हूं कि कहीं ना कहीं ज्यादा हल्के में ले गए दूसरी टीम को, चार ओवर में मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा मैच देखने छोड़ दो, हम जीते जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, इंडिया की दफा भी यही नजर आ रहा था कि भाई मैच तो हमारे हाथ में है, मैच तो हमारे हाथ में, बाबर आजम देखें अगर उनसे कप्तानी नहीं, सब पहली बात है वो एक क्लास का प्लेयर, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है, लेकिन क्लास कौन सी है? वो प्रेप है, फर्स्ट वन क्लास है, टू क्लास है, जिस क्लास में वो जा रहे हैं वो तो प्रेप से भी नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक तो वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे कि उनको हम कहें कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बिल्कुल। देखा जाए कि मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो भी बहुत ज्यादा वीक है, अगर मतलब मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म कर नहीं रहा है, एक मैच में इफ्तिकार ही चला था, बाकी एक ईशान थोड़ा बहुत, ऐसी है कि अगर किसी ने 3 छक्के मार दिए एक मैच तो हीरो, वो हीरो, ऐसा नहीं होता। अब आसिफ अली कहता है जी आसिफ अली द किंग, कैसे किंग भाई, ऐसे ही है, मतलब कि अगर आप एक मैच में चल पड़े तो आपको किंग मान लें, किंग मान लें। हमारे पास तो यूनुस खान जैसे, हमारे पास मोहम्मद यूसुफ जैसे, शाहिद अफरीदी, ये किंग थे, किंग है। मुझे आप बताएं कि ये तो नहीं कहेंगे बिक गई है टीम, जैसे हुकूमत नजर आ रहा है कि हुकूमत में जिस तरह की बिकी हुई है ये भी बिक गए हैं, सही है, ठीक है, चले कोई उम्मीद है कि हम बेहतर करेंगे आगे, जो जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ, ये तो चवले मार रहे हैं, चवले मार रहे हैं, अब दिल नहीं कर रहा ये कहने का, ठीक है, फिर भी मतलब कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, टीम तो हमारी यही है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए,
बाबर आजम मतलब कि अगर आप वेल परफॉर्म करें, हमारे बॉलर्स का कोई कसूर नहीं, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बॉलर्स का कोई कसूर नहीं, बैट्समैन को और थोड़े से मैनेजमेंट को। आए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। आपने देखा ही होगा जो गुफ्तगू हम कर रहे थे कि हम पाकिस्तान मैच हार चुका है जिम्बाब्वे से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें अब आदित्य नारायण लग रहा है बच्चा साइड से, जैसे वो छोटा सा था, ठीक है, क्योंकि हम सब रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, तो अफसोस होता है। और जिस तरह हम खेले हैं, शायद हमारा मिडल ऑर्डर में चेंजिंग होने की जरूरत है, और टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो शायद उसमें चेंजिंग होने की जरूरत नहीं है, चेंजिंग की जरूरत नहीं है टॉप ऑर्डर में। आप टॉप ऑर्डर में आप ये कर सकते हैं कि एक दफा स्किल्स हैं जो कि पूरी नहीं, वो ऑफ साइड पे नहीं खेलते, हम सबको पता है, वो वकीयों वाला उन्होंने शॉट बनाया हुआ है, वही खेलते रहते हैं, वहाँ पर बाउंस पिच है, आपको सही प्लान के साथ जाना होता है, प्लान से जाना होगा। ये तो आपने जरा डीप बात कर दी, मुझे ये बताएं बाबर आजम के ऊपर काफी बात हो रही है कि जी छोटी टीम के साथ जीतते थे, आप छोटी टीम के साथ भी नहीं जीत रहे, जिम्बाब्वे आजम भी कहा जाता है, शायद आपको पता हो। ये कहा जाता है, ये तो इंडिया वाले हैं, क्योंकि शायद हमारा स्टार इतनी देर बाद बना तो वो जलते हैं, क्योंकि उसको कंपेयर किया विराट कोहली के साथ इस उम्र में, उसने विराट कोहली के तकरीबन सारे रिकॉर्ड तोड़े। मैं मानता हूँ विराट कोहली सबसे बड़ा प्लेयर, लेकिन हमने देखा कल, देखें ये अच्छी बात है, बिल्कुल कल देखा, ठीक है, जितना टेम्परामेंट उस शख्स में, मैंने आज तक इतना प्रेशर ऑन करके हाई वोल्टेज गेम में मैंने बाबर को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, जब भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हां अब अगर बात करें बाबर खेला था, कम टीमों के खिलाफ खेलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराना इतना आसान नहीं होता, वहां पर सेंचुरी ओडीआई में भी मारना, सेंचुरी आपके टी20 में मारना, बड़े फॉर्मेट में क्यों नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप में? एशिया की अगर बात की जाए, एशिया कप की, देखिए एक प्लेयर है आप उसके ऊपर बैड पैच आता है, जैसे एग्जांपल है विराट कोहली की, दो साल उसके ऊपर पता नहीं 71 सेंचुरी थी, वो हो ही नहीं रही थी, 70 सेंचुरी पे फंसे हुए थे वो, ऐसी है। दो साल हमने ट्विटर पे, हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे कहा, इंडिया तो चलो थे उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, हमने कहा बैक द किंग, किंग विल बी बैक, ये हैशटैग करके उन्हें सपोर्ट किया, थोड़ा मोटिवेट कर। देखें बाबर आजम हमारा अपना लड़का है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करता है, कैप्टन है, ठीक है, सुपरस्टार बनता है, क्योंकि मैंने कोई नहीं देखा कि पाकिस्तान से कितने अरसे बाद सुपरस्टार बना, आपको खुद भी सुपरस्टार का दर्जा होता है कि वो जब आता है तो तालियां बजती हैं, तालियां बजती हैं, हम तो चाहते हैं लोग ग्राउंड पर, मेरे भाई हम तो चाहते हैं कि तालियां बजें बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, ऐसा हम काम करें। लेकिन जब इतना एक मतलब लोगों की उम्मीद होती है, ये कई लोगों ने तो मैच नहीं देखा कि यार ये तो हमने जीतना ही जीतना है, वो मैच हम हार गए हैं, देखें अगर फिर हम क्या कहें, फिर भी हम किसी पे बात ना करें, नहीं बात आप करें, बात शख्स पे करें जो के उस वक्त खराब हुआ है, कौन जिम्मेदार है। आप अगर बात करते हैं कि अब सिर्फ बाबर आजम नहीं है, फिर इसके मतलब वो जीजे आता है आपका, हैदर अली आता है, फिर इफ्तिकार आता है, वो भी तो आउट हुए हैं ना, सिंगल डिजिट्स पे आउट है, बाबर भी आउट है। आप क्रिटिसाइज करें लेकिन पॉजिटिव, आप ये नहीं कह सकते वो किसी प्लेयर का नहीं है, किसी खाते का नहीं है, या सिर्फ बाबर का बहुत तगड़ा फैन दिख रहा है, सुपर स्टार को डिग्रेड करते हैं दुनिया के सामने, थोड़ी रिस्पेक्ट दें उनको। 2018 से लेकर 2021 तक टॉप किया, अभी भी वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है, टेस्ट में टॉप 3 पे है। मेरा तो मेरे भाई यही सिर्फ कहना है ना कि जब कोई बड़ा बड़ा मैच आता है उसके अंदर नहीं चलते, बस मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा बड़ा प्रेशर ले जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर इसी वजह से ना, नीचे कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं, आप उन्हें पता है कि मैं ही हूं, कुछ नहीं है, उसी नासिर हुसैन शायद कह रहे थे कि इस वजह से उनकी स्ट्राइक रेट लो है, इस वजह से, क्योंकि उनका उनको पता है मिडल ऑर्डर उनका कैसा है, इसी वजह से है। तो हाँ मैं मानता हूँ अगर वो बड़े मैच में या कुछ मैचेस में वो परफॉर्म नहीं करे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो किसी कैलिबर के प्लेयर नहीं है, मैं आपको गिनाता हूँ उनके बड़े मैचेस, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थिंक मैनचेस्टर था, वहाँ पर उन्होंने सेंचुरी की वर्ल्ड कप के मैच में, नॉकआउट गेम में थे पाकिस्तान के लिए, को हारता बाहर था, आप वो सेंचुरी देखें जाके, बाबर आजम ने 60 बॉलों के ऊपर या 65 बॉलों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी की लाहौर में। अब ये ना कहते कि बीच में टीम सारी लेकर आते हैं, मतलब ये तो हारने आते हैं, जीतने आते हैं, चले मान लिया आपकी बात, जो हम ये कह रहे थे कि जी 9 बॉल होगी इंडिया की, दफा 9 बॉल होगी, इस दफा कोई बहाना, दूसरे नंबर पर बड़े पाकिस्तानियों ने कहा कि इंडिया को फाइनल में देखेंगे, तो हमें क्या जिम्बाब्वे ने ही नहीं फाइनल में जाने दिया? देखें ये तो एक होता है यकीन, वो इसी वजह से था कि हमें अपनी टीम पे भरोसा था, ये था ना, लेकिन भरोसा तोड़ा होता है तो हम ये कहते बिल्कुल तोड़ा, भरोसा टूटा है तो इसका मतलब ये आप नहीं हरगिज नहीं कहेंगे कि इसने बुरा किया, इसने बुरा किया। हाँ जो मैनेजमेंट में चेंज होने वाला, जैसा मिडल ऑर्डर आप उसको ग्रूम करें, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको उसको आपको सही तरीके से बैठाना है और बात करें, अगर नहीं परफॉर्म करते डोमेस्टिक से लड़के लेके आए, ठीक है। ये बता दें लास्ट में, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके अंदर फेवरेट टीम कौन सी समझी जा रही है, क्या लगता है फाइनल में कौन पहुँचेंगे या फिर फाइनल कौन जीतेगा, आप क्या ख्याल? अच्छा फाइनल जीतने का तो नहीं मुझे पता क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी अजीब सी, फाइनल तक कौन पहुँचेगा? इंडिया पहली दफ़ा आई है वो, जो कि बिना अपना कोई कह सकते हो आप कि वो फेवरेट सी, वो इसका चांस लगता है, और न्यूजीलैंड का, क्योंकि इंग्लैंड आयरलैंड से पाकिस्तान के चांसेस तो बिल्कुल ही मिल जाता, खत्म हो गए मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी चले हम पाकिस्तानी, हम सिर्फ एक चीज़, अपने सुपरस्टार को अगर आपने बनाया
तो उसको क्रिटिसाइज करने का हक आपको है, मगर इन अ पॉजिटिव वे। आप गालियां नहीं दें, आप बराबर नहीं दें, आप कुछ ऐसा गलत, आपको पता है ट्विटर पे क्या क्या चलता है। वो इंडियंस हैं, मैं आपको सिर्फ मतलब जो हमारे कोई अगेंस्ट टीम्स होती हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाती हैं, ठीक है। एक बंदा प्रेशर तब भी लेता है जब उसकी आपको कौम सपोर्ट ना करे। लेकिन आपने ये कहा ना हमने विराट कोहली को सपोर्ट किया, विराट कोहली ने बड़ा बाबर आजम को सपोर्ट किया, विराट कोहली हमारे बड़े प्लेयर्स को सपोर्ट किया। यही एक स्पोर्ट्समैन की ना एक खूबी होती है, वो सबको क्या कहना एक बैक करता है। अगर हम इतने बड़े नहीं हैं, विराट कोहली के लेवल पे तो नहीं है, अगर हम यहाँ पर हैं तो हम उनको आप क्रिटिसाइज करें लेकिन ना पॉजिटिव है, आप नेगेटिव में या गालिए कुछ ना बकें या ये कहें कि उसने कप्तानी नहीं अच्छी की। कप्तानी अच्छी की तभी तो 131 आया, वरना उनको तो 3 ओवर में 35-36 स्कोर था। और इससे भी नजरअंदाज मैच को हारे हैं ना हम पाकिस्तानी, ये बाबर आजम मैच नहीं हारा, ये सिर्फ रिजवान नहीं है, मैं मैच हारा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन दुख है उस दुख को जब शेयर हाँ, दुख है आप दुख को बिल्कुल माने तो एक बंदे पे उसकी कप्तानी पे या उसकी बैटिंग पे। वो एशिया कप में भी हम फाइनल तक गए, उसने कुछ भी नहीं किया था एशिया कप में, फिर भी हम फाइनल तक गए। आपने उस पर डाल दिया रिजवान, हाँ रिजवान स्लो खेला, वो खेलते क्योंकि उसकी कुछ शॉर्ट स्किल नहीं है अभी पूरी बनी। आप अगर ये अगर सारा ब्लेम कप्तानी पे डालेंगे, सारा ब्लेम उसके उसके ऊपर डालेंगे, वो अभी 28-29 साल का लड़का है, उसने मुझे मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, जब हम पहले मैच देखते थे बाबर के बिना हमारी खुद टांगे कांप रही होती थी कि यार ये क्या बनेगा हमारे मिडल ऑर्डर या हमारे ओपनर्स का, ठीक है। अब जब से बाबर है हमारा एक लफ्ज तो ये पक्का हो गया कि अभी बाबर खड़ा है हम जी सकते हैं, ये चेंज हुई है, हमें सुपरस्टार बना है, इसको बैक भी करना है, हमने बैड बैच आता है। विराट कोहली भी 2-2.5 साल आता रहा, उसको हम ट्विटर पे लगाते रहे # किंग कोहली बैक, # ये कर दो, # वो कर दो, सपोर्ट करो उसको भी, लड़के को उसको भी सपोर्ट करो। मिडल ऑर्डर में सिर्फ मिडल ऑर्डर चेंज करना है आपने, आपकी गलती है अगर आप हैदर को इस पे चांस देते हैं कि वो PSL में 4 छक्के मार करता है जैसे आसिफ अली है, आसिफ अली को बॉलर में से कोई भी बॉलर आ सकता है जो शॉर्ट बॉल उसको करेगा ना, शॉर्ट बॉल आसिफ अली को शॉर्ट बॉल वो उसको विकेट ले सकता है। अब सबको पता है कि आसिफ अली को अभी शॉर्ट डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इस तरह के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया पिच में वैसी बॉल बहुत तेज आती है, पड़के या इनको साइड उठा के किसी और को चांस दो जिससे अच्छा अच्छे प्लेयर हैं, अहमद शहजाद शुएब मलिक और दूसरा आप कर लें ये अहमद शहजाद शुएब मलिक, इन दो प्लेयर्स को वापस लाना चाहिए लाजमी। मलिक से ये भाई कह रहे हैं बाहर निकला और मैं भी इसी से एग्री करता हूं कि टाइम होता है यार निकल आओ तो यार इफ्तिखार की कौन क्या है जे अभी बात है वॉल्यूम जाना, टॉपिक ज्यादा लंबा हो गया, बात ज्यादा लंबी होगी, लास्ट में ये बता दें जे और टीम आपको टीम सारी नजर आ रही है, क्या लगता है वर्ल्ड कप फाइनल में या जीतेगा कौन या एटलीस्ट फाइनल में कौन सी दो टीमें हैं? पहला फैसला हुआ कि इंडिया फेवरेट्स नहीं थी इस दफा के, तो मुझे इस दफा मेरे हिसाब से इंडिया ही है, इंडिया साथ न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पैनिक है और इंग्लैंड जो आयरलैंड से आ रहा है। इस दफा वर्ल्ड कप में बड़े अजीब से सेटबैक लगे हैं सबको, कोई एक टीम नहीं हुई है इस दफा, आपको पता है वेस्ट इंडीज बाहर होगी, दो दफा वर्ल्ड चैंपियन थी, इंग्लैंड बाहर हुई होने लगी है, मतलब उसके भी वो हार गया जैसे वो हारा मैच, तो इस दफा ये समझते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का मुझे चांस है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे ये बताएं कि ये जो हम मैच हारे हैं क्या आपको नहीं लगता ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? ओवर कॉन्फिडेंस होता तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और होती ना, मिडल ऑर्डर क्यों डरता है? आप उनके कितने संभावे से डरता, कितने दो बॉल है वो जो लंबे लंबे दो बॉल लगे हुए थे उनके, माइंड में कहीं ना कहीं था कि इजीली हो जाएगा, ये हमारे माइंड में था कहीं ना कहीं, खेलना शुरू से ही नहीं आता। आपको पता है दुनिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट बाउंस पिच है वो, तो अगर आप उस पर अगर नहीं खेल सकते इस लेवल के ऊपर भी, हैदर अली या इस तरह के लोग अगर नहीं खेल सकते हैं तो फिर ये हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी अंडर रेटेड स्किल है बस। चलें वैसे पॉजिटिव बात करी है, बट जितनी भी लगी। आपका नाम? जहांजेब खान साहब, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच देखा? बिल्कुल देखा जी। कैसा लगा? बिल्कुल ऐसे कोई गैर मुतमईन सा मैच था, ठीक है। और बिल्कुल नो बॉल तो नहीं होगी इस दफा इंडिया की तरह? नहीं नो बॉल तो नहीं हुई, लेकिन जो है ना प्लेयर जो बैट्समैन थे उनको थोड़ा सा अपने ऊपर देखना चाहिए था कि इतनी जो है नॉर्मल सी टीम है इससे हार रहे हैं और वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, तो इस चीज को हमें देखना चाहिए था। और इफ्तिखार जैसे आउट हुए यकीन नहीं आ रहा था कि शदाब के ऊपर, हालांकि पहले वो उसकी जो है नंबर लेट होता है लेकिन अब उसको मिड ऑर्डर चेंजेस की है, चेंजेस की है लेकिन फिर भी लेकिन उसने जो है वो भी सर्टिफाइड चेंजेस काम नहीं आई। वजह क्या समझते हैं? मैं पहले भी क्वेश्चन कर रहा था, वजह क्या है कि हमारी टीम के प्लेयर्स में वो कैलिपर नहीं रहा या फिर इसके अलावा मिसमैनेजमेंट है या फिर बैड लक है? नहीं बैड लक तो नहीं कह सकते आप, इसको देखें आप लास्ट 2-3 मैच देख रहे हैं आप इनकी परफॉर्म नहीं ये देखें देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि मिसमैनेजमेंट है इनके पास जो है अंदर, इनको टीम के अंदर वर्क करना चाहिए, ठीक है।
बाबर आजम की बात की जाए, हमारे कैप्टन है और बड़ा कहा जाता है कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, नो डाउट के हमारे लिए वो हीरो हैं। लेकिन दुख ये होता है कि पूरा साल हम देखते रहते हैं जी बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड बना दिया, आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब कोई मैच आता है, कोई वर्ल्ड कप आता है, कोई एशिया कप आता है, बाबर आजम साहब पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं जो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। अच्छा मुझे लगता है कि इसको बाबर आजम को मेंटोर रखना चाहिए कोहली को एज अ मेंटर, ही कॉपी करके जो है लेके चले तो स्पेशल के साथ खेल ऐसे अब हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, क्या कहते हैं ऑफिशियली तो नहीं हुए मतलब, लेकिन ये कि समझ आ गया, नजर आ गया कि बाहर हैं। लेकिन जब जो सबसे हल्की टीम थी इससे तो हम हार गए, ठीक है, और आने वाले मैच के अंदर देखें हम क्या करते हैं, लेकिन कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं का हाथ है तो वो आपको लगता है हार जाएगा? नहीं मुझे नहीं लगता, इंडिया आपको लगता है हार जाएगा? नहीं ऐसा नहीं। तो फिर वही बात है बाहर हो गए तो कैसा फील होगा जब मतलब आप बाहर हो चुके हैं, पूरा हमारा तो वर्ल्ड कप जाया हो गया। लेकिन ये ऐसी हकीकत है जिसे मानने को दिल तैयार नहीं है, ऐसी हकीकत है जिसे मानने को दिल तैयार नहीं है, लेकिन मानना मजबूरी है क्योंकि हम अभी ये भी नहीं कह सकते कि 9 बॉल हो गई है। आप क्या कहेंगे, आपने भी मैच देखा या मतलब क्या कहते हैं कि हम सब बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी दुख की बात है, बहुत हार्ड स्टार्ट हुआ, उम्मीद नहीं थी ऐसा, मतलब हमने बहुत इजी लिया था यार ये तुम भावे, इससे तो जीतने जीतना है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा बड़ी इस दफा इंडिया में ये चीज वायरल चल रही है पाकिस्तान के जिम्बाब्वे से हारने के बाद के जी भाई अब तो 9 बॉल नहीं थी, तो इस पर क्या कहेंगे अब तो अभी कोई मीम निकल आएगी इस पर क्या कहेंगे? शर्मिंदगी की बात है ये हमारे लिए, और हम नहीं वैसे इस दफा कोई बहाना ढूंढा, मैं तो बता चुका हूँ मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि मुझे था हम जीत जाएंगे ये वो, तो क्या इस दफा भी कोई 9 बॉल हो गई, कोई चक्कर हो गया? नहीं अभी इस दफा जो है कप्तान की तरफ से उसके माइंड की 9 बॉल हुई है, तो वो माइंडसेट भाई अलग जोन की चीज है, प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया। मेरा भी बहुत दिल टूटा, ऐसे बहुत से पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी हैं जो समझते थे कि हमें मतलब वर्ल्ड कप आया है एंजॉय करेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हमें उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि हम सपोर्ट करें उन्हें। खैर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हार जीत होती रहती है, लेकिन हमें बेहतरी की तरफ जाना है, हमें अपनी गलतियों को सीखना है, हमें मैनेजमेंट को बेहतर करना है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट नहीं ठीक, हमारा मिडल ऑर्डर नहीं ठीक, मुझे नो डाउट क्रिकेट में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीज नजर आ रही है, जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि हमारी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की मिस्टेक है। हम जीतते हैं तो तुक्के से जीतते हैं और फिर हम कह देते हैं हमारे हीरो हैं और हार हम अक्सर जाते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वाली बात है, मैं तो देखो सबको साफ नजर आ रहा है एक चीज की, मिडिल ऑर्डर बहुत टाइम से पाकिस्तान का कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ऑन पेपर कितना भी नहीं, ऑन पेपर कितना भी तारीफ कर लो कि वो 150 छक्के मारते हैं, वो ये करते हैं, रियल में परफॉर्मेंस एक वो ठोस परफॉर्मेंस आ नहीं रही है निकल के। और हमेशा वही वाली बात है कि बाबर और रिजवान ही नहीं कर सकते, जैसे इंडिया अभी पिछले वर्ल्ड कप में जब वो उन्होंने एक तरफा मैच जीता पाकिस्तान, तब रिजवान और वो नॉट आउट रहे थे बाबर, तो क्लास है बाबर में, हर एक चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक टीम तभी पूरी होती है जब उसमें सारे खिलाड़ी होते हैं अपना एक रोल करते हैं, और इस मैच में ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाला शब्द भी सही नहीं लगेगा मुझे, नहीं थोड़ा सा इजी पीजी टाइप अप्रोच थी कि चल ठीक है, एक वो हो गया ना कि जिम्बाब्वे तो है जिम्बाब्वे, जबकि मुझे उससे याद है कि एशिया कप में भी श्रीलंका को बोला था, ऐसे बोला था कि ये तो बस फाइनल तक भी पहुंच जाए, बहुत बड़ी वो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी मैच में कि ये मैच पहले ही खत्म कर सकते थे, पहले ही जीत सकते, लेकिन वो अप्रोच ली नहीं इन्होंने, तो पाकिस्तान इसलिए हार गई। और बाकी मेरे हिसाब से इंडिया और न्यूजीलैंड अच्छा करेंगे, और इंडिया का मैच अपना मैच है संडे को है साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।